अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आसफा शीमा और आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आईटी टेलीकॉम अपडेट्स में एक दफा फिर से खुश आमदीद। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं आईटी टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। जी हाँ व्यूअर्स, चलते हमारी आज की फर्स्ट अपडेट की तरह। हमारी आज की जो फर्स्ट अपडेट है वो है टेलीनॉर के हवाले से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं टेलीनॉर जो है वो डिफरेंट कैंपेन्स के हवाले से जो है वो पार्टिसिपेट करता रहता है, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि टेलीनॉर की तरफ से एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट की जा रही है, जी हाँ, जिसमें आपको इंटरनेट से आप किस तरह से जो है वो साइबर क्राइम से या साइबर बुलिंग से जो है वो बचा जा सकता है, उसके हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो स्टार्ट की जा रही है टेलीनॉर की तरफ से। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि एक डिजी वर्ल्ड के नाम से जो है वो एक गेमिंग जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसके ज़रिए जो है वो डिफरेंट एजेस के जो है वो चिल्ड्रन और इसके अलावा जो है वो पेरेंट्स को एजुकेट किया जाएगा। जी हाँ, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो भी बच्चे जो है वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छोटी एज के बच्चे जो है वो ज़्यादा इंटरनेट की तरफ उनका जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, बहुत ज़्यादा रुझान है ऐसे बच्चों का। जी हाँ, जिनमें 9 से 17 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ 14 to 36% जो है वो हमें बताई जा रही है, जिसमें ये बच्चों की जो है वो स्ट्रेंथ हमें बताई गई है। जी हाँ, अगर हम बात करें कि उन बच्चों के हवाले से कि उन पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो डेफिनेटली कुछ बच्चों को ऐसे जो है वो इंटरनेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्क का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्वारी का सामना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइबर बुलिंग के हवाले से जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्पेशली बच्चों पर ऐसी चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है, जो कि बच्चों को ये एजुकेट करेगी किस तरह से जो है वो अपने आप को इंटरनेट के किसी भी किस्म के जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाई जा सके। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसमें जो है वो बच्चे किस तरह से, जैसे कि इंटरनेट गेमिंग या ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें किस तरह से अगर कोई उनकी इमेज लीक हो जाती है, उनकी कोई वीडियो लीक हो जाती है, उसको किस किस तरह से जो है वो अपने जो है वो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टेलीनॉर की तरफ से कि किसी भी किस्म के इंटरनेट के हवाले से जो भी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं, या जो लोग भी इस चीज़ का शिकार होते हैं कि उनको जो है वो इंटरनेट की तरफ से साइबर बुलिंग का जो है वो उनको शिकार होना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत ही जो है वो अच्छा इनिशिएटिव है टेलीनॉर की तरफ से कि तमाम ऐसी एज के बच्चे जो कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और वो अपने तौर पर जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उनके तमाम पेरेंट्स को भी जो है वो इस चीज़ का एजुकेट किया जाए कि वो अपने बच्चों के हवाले से इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो उनको वो किस तरह से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये डिजी वर्ल्ड जो है वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से जो है वो बच्चों को लेके चलेगा और बच्चे इस के एजुकेशन के हवाले से जो है वो कितना ज़्यादा इसको जान सकेंगे। जी हाँ, और इसके अलावा इनका जो टारगेट है वो ये बताया जा रहा है कि इनका जो टारगेट 2020 तक का टारगेट है वो है 4 मिलियन जो है वो चिल्ड्रन को एजुकेट करना कि वो किस तरह से इंटरनेट को सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको किसी भी किस्म की जो है वो दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स सी के जो है वो मज़ीद हमें इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके बारे में क्या हमें जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की टेलीनॉर के हवाले से अपडेट। चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ओप्पो के एक नए स्मार्टफोन के हवाले से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओप्पो एक नया स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और ओप्पो की तरफ से डिफरेंट स्मार्टफोन जो है वो आपको जो है वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि रिसेंटली ओप्पो ने F7 लॉन्च किया था और उसको जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और उसके काफ़ी ऐसे ट्रेंडी स्पेक्स और फीचर्स थे जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद भी किए गए। और अब जो है वो ओप्पो फाइंड एक्स के नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें दो जो है वो ओप्पो वेरिएंट्स के साथ इसको ओप्पो फाइंड एक्स को लॉन्च करेगा, जिसमें आपको जो है वो ओप्पो एक लैम्बोर्गिनी और ओप्पो सिंपल फाइंड एक्स जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस के हवाले से, तो बताया ये जा रहा है कि जो ओप्पो सिंपल फाइंड एक्स की प्राइस होगी वो $1150 के करीब जो है वो इसकी प्राइस होगी, और जो ओप्पो
फाइंड एक्स लैम्बोर्गिनी जो डिज़ाइन में होगा उसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो $1950 के करीब जो है उसकी प्राइस बताई जा रही है। तो लेट्स सी कि हमें इसके बारे में मज़ीद जो है वो क्या लेटेस्ट इसके स्पेक्स और फीचर्स के बारे में हमें क्या लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो वो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट अपडेट है वो है गूगल के हवाले से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं गूगल की डिफरेंट एप्लीकेशन में जो है वो नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो रिसेंटली गूगल की जो डेटली एप्लीकेशन है उसमें एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आप अपना जो है वो मोबाइल डेटा, जी हाँ, आपका जो नेट इंटरनेट पैकेज है उसको आप किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटरनेट आपका जो है वो मोबाइल डेटा ऑन होता है तो उसमें आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में आपका डेटा जो है वो कंज्यूम करती रहती हैं, तो उससे जो है वो आपका डेटा बहुत ज़्यादा जल्दी लिमिटेड हद तक जो डेटा होता है वो बहुत जल्दी लो हो जाता है। तो उस डेटा को जो है वो सेव करने के लिए गूगल ने अपनी जो है वो डेटा एप्लीकेशन में ये एक नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि इस डेटली एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो आप अपना डेटा किस तरह से सेव कर सकते हैं। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि जब आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन में डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे और इस एप्लीकेशन की ऑप्शंस को आप फॉलो करते हुए जो है वो अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनको आप लॉक नहीं करना चाहते आप उनको लॉक नहीं करें, और अगर जिनको आप लॉक करना चाहते हैं जिनका डेटा आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कंज्यूम नहीं हो, मतलब आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते, तो उन एप्लीकेशन के लिए जो है वो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अपनी तमाम जो है वो इंटरनेट डेटा को जो है वो आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि अप टू 31% जो है वो ये डेटा आप इसमें रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, ये डेटा एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन दी है कि गूगल की तरफ से अगर हम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो अपना इंटरनेट पैकेज जो है वो बहुत ही जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं और आपको इसमें जो है वो किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आप अपना डेटा जो है वो किस तरह से जो है वो बचा सकते हैं। और डेफिनेटली लिमिटेड पैकेजेस होते हैं तो उनमें जो है वो कुछ पैकेजेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो उन एक्सपेंसिव पैकेजेस से बचने के लिए आपको ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो गूगल की तरफ से प्लेटफॉर्म मिला है कि आप इस जो है वो एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ये थे हमारी आज की आईटी टेलीकॉम अपडेट्स। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।